नमस्कार दोस्तों, आज पृथ्वीकुल स्टूडियो में संघ के प्रचारक व वर्तमान में विद्या भारती के संगठन मंत्री माननीय भुवन जी का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं जी कि आप डॉक्टर साहब के विचारों को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से नवयुवकों और सभी लोगों के आगे रख रहे हैं जी। आज मेरा आपसे प्रश्न है, पूज्य डॉक्टर साहब ने कई सामाजिक कई लोगों का निर्माण किया जो बहुत ही आगे बढ़े, जैसे पूज्य गुरुजी। आप और गुरुजी ने उनके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में क्या क्या कहा, ये आज मेरा आपसे एक प्रश्न है। अभिषेक जी, आपने पहले तो अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब ने कार्यकर्ताओं का ही निर्माण करने का काम किया और उनके संपर्क में जो कार्यकर्ता आए वो बहुत बड़े स्थानों पर स्थापित भी हुए। उसमें से बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है गुरुजी के लिए। गुरुजी ने उनके लिए कहा है, उनके प्रति सद्भावना और आदर वृत्ति मुझे एक दिन में उत्पन्न नहीं हुई। आदमियों को परखने की मेरी जो पद्धति है वो बहुत छानबीन की थी। प्रारंभ में मुझे ऐसा लगता था कि वो निराली पद्धति से काम करने वाले एक नेता हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर साहब के प्रति मेरे मन में कोई भाव नहीं था और भावनाएं भी नहीं थी, परंतु 15-20 दिन उनके साथ रहने से मुझको एहसास हुआ कि ये सामान्य व्यक्ति, दिखने वाले सामान्य व्यक्ति असाधारण हैं। किसी प्रकार का सहारा न होते हुए भी उन्होंने प्रचंड कार्य करने का, व्यक्ति समुच्चय का एक बहुत महान विभूति का काम किया। इसको सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। यदि मैं सरल शब्दों में कहूँ तो का माँ का वात्सल्य, पिता का उत्तरदायित्व, गुरु की शिक्षा का समन्वय था उनमें। ऐसे महान व्यक्ति की पूजा करने में मुझे अतिशय गर्व महसूस होता है। यदि मैं ऐसा कहूँ, वो मेरे इष्ट थे और व्यक्ति पूजा भी कोई कहेगा तो ये भी मेरे लिए अभिमान ही होगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ मुझको रहने का और मुझको अपने को बढ़ाने का, और मैं कुछ कर पाया तो उनकी कृपा से ही हो पाया। मुझे लगता है आपके विचार सभी नवयुवकों के लिए और सभी लोगों के लिए, जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं था, निश्चित ही बहुत जानकारी देने वाले होंगे। और हम लगातार इन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और मैं पुनः पुनः आपको यहाँ पर आमंत्रित करूँगा। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।